राहुल चौधरी सीईओ टाटा पावर एसईडी से हमने बातचीत करी थी और उनका मानना है कि कंपनी के पहले ही कई टाइप्स ऑलरेडी कर चुकी है और कंपनी मार्च 2017 तक बीएमएस के नए फेज में भी जाएगी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि कंपनी सोनार रडार के ऑर्डर्स के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। राहुल चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। सरकार ने जो डिफेंस सेक्टर में एफडीआई के दरवाजे खोले हैं तो उससे आपकी कंपनी को कितना फायदा हुआ है और क्या इसके बाद आपने कुछ और कंपनियों के साथ करार किए हैं? सो हम हर किसी के साथ काम करते हैं पर जॉइंट वेंचर बनाने की जरूरत हमें नहीं महसूस होती क्योंकि हम कैपेबिलिटी पे विश्वास करते हैं। हम और हमारे पार्टनर्स अगर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बिजनेस केस है, कैपेबिलिटी के साथ बिजनेस केस है तो हम उसे खड़ा करने की काबिलियत रखते हैं। सर अभी पहले जो आपको आपकी कंपनी को जो ऑर्डर मिले थे बीएमएस बैटल मैनेजमेंट सिस्टम के, उसके बाद जो सोनार के लिए भी मिले थे तो उसकी क्या स्थिति है, किस तरह का दिख रहे हैं? सोनार का तो ऑर्डर अभी तक मिला नहीं है, अभी L1 हुए हैं एक हफ्ता पहले ही, और बीएमएस का अभी प्रोडक्ट अभी जो है वो मेक प्रोग्राम था तो उसका नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जिसको कहते हैं पीएसओ फेस, उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। होपफुली वो बाय मार्च इस फाइनेंशियल ईयर में वो नेक्स्ट फेज में चला जाएगा। वो बहुत बड़ा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे लिए क्योंकि हम और हमारा पार्टनर उसमें L&T है, हम लोग वो कैपेबिलिटी हिंदुस्तान के हर सुरक्षा कर्मी के हाथ में देंगे जिससे कि उसे कहाँ पे वो खड़ा है, क्या उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस है, क्या उसकी कैपेबिलिटी उसको चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें एक नेटवर्क के थ्रू सब जगह में जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको सही समय पे सही जगह पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हम लोग उसमें काम करने के लिए भारत सरकार और अपने DGIS के साथ काम कर रहे हैं और जल्दी ही ये तो सोनार को लेके आप कितने होपफुल है, कितने तैयार है? सोनार का तो बाय एंड मेक इंडियन का प्रोजेक्ट है, हमको ऑर्डर मिलने के एक साल के भीतर 2 सोनार देने हैं।